नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या सर? राजीव टुल्ली। राजीव टुल्ली। राजीव टुल्ली आप क्या करते हैं? मैं फील्ड जॉब करता हूँ सर। फील्ड जॉब करते हैं। किसी प्रकार का नशा करते थे जब आप नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल हुए थे? हाँ जी। कौन से नशा मुक्ति केंद्र में आप दाखिल हुए थे? संबंध समिति। संबंध समिति नशा मुक्ति केंद्र। अच्छा, आप संबंध समिति नशा मुक्ति केंद्र में कब दाखिल हुए थे सर? पाँच साल पहले जब आप संबंध समिति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुए थे, कोई परेशानी थी आपके सामने? जी हाँ। क्या परेशानी थी? एक्चुअली में क्या है, मैं शुगर पेशेंट हूँ। यस यस। तो मेरी पीठ के पीछे घाव सा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले वो छोटा था, आई नो, लेकिन वो काफी बढ़ गया। काफी बढ़ गया। तो डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया, जवाब दी थी ऐसा कि मतलब ये बहुत टाइम लेगा, और उम्मीद भी छोड़ दी थी। जैसे कि आपने बताया कि आपकी समस्याएं बढ़ गई थी, आप शुगर पेशेंट हैं और आपको घाव बढ़ गया था, डॉक्टर ने आपसे उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ जी। फिर आज आप सही हैं, कारण क्या बना आपका? कारण जो सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो हमारे संबंध समिति के नरेश कुमार जी हैं, उनका सब सहयोग मिला मेरे को, अपनी फैमिली का सहयोग मिला, और वहाँ के जो स्टाफ है उनका भी काफ़ी सहयोग मिला, जिससे कि मैं उसको पूरी तरह से उस चीज़ से बाहर निकल पाया। उसके साथ साथ जो मेरा नशा जो मेरी ज़िंदगी को बर्बादी की ओर लेके जा रहा था, उसको काफ़ी उसको राहत मिली, ताकि मैं अब उस चीज़ से मैं बहुत दूर हो गया। और उम्मीद में यही करता हूँ कि मतलब अब कभी ज़िंदगी में नशा नहीं उठाऊँ। आपके सामने और भी समस्याएं आई थी, आपके सुना था कि आपके पैर में भी एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं वहाँ से संबंध समिति में कुछ टाइम रहा, तो फिर आके मैंने जॉब शुरू करी। मेरे पास पैसे आ गए थे, जब मैं जॉब भी अच्छी थी और पैसे भी थे, तो मैंने नशा फिर से उठा लिया था। तो उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ और फ्रैक्चर हो गया था। फिर मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने बहुत मेरा कोऑपरेट किया, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल वगैरह दिखाया, तो फिर उन्होंने मेरे से भी पूछा, और उनकी भी यही राय थी कि हम फिर दोबारा एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपकी वाइफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया आपको जी, आपको और आपको संबंध समिति के जो एज ए स्टाफ है उन्होंने भी कोऑपरेट किया, आपने बताया नरेश कुमार जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आपको कोऑपरेट किया। हाँ जी। तो आपके सामने समस्याएं कम होने लगी। हाँ जी। उसके बाद आप आज आपको नशा मुक्त जिंदगी जीते कितना समय हो गया है? मेरे को करीबन 4 साल होने वाले हैं। नशा मुक्त जिंदगी जीवे जी। नशा आपने कहा था कि बीच में आप रिलैप्स हो गए थे या आप स्लिप हो गए थे? हाँ जी, 5 साल पहले मैं रिलैप्स हो गया था। अब आप 2 साल से नशा मुक्त जिंदगी जी रहे हैं, 4 साल से जी रहे हैं? करीबन 4 साल होने वाले हैं। 4 साल होने वाले। तो आपके सामने कोई समस्याएं आपको नज़र आती हैं कि आज भी कोई समस्या आती है आपके सामने कि मेरे सामने विचार आते हैं, विचार जाएंगे? प्रोग्राम आपने लिया ना। हाँ जी। इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं कम नहीं होती, नशा जिंदगी में आ जाता है जी। तो इस बारे में कुछ कहने का है कि आपको विचार आते हैं? हाँ, विचार तो नहीं आते, लेकिन मेरा फील्ड का काम है, कई बार मेरे को जो मतलब मेरे जो मालिक हैं वो मेरे को वाइन शॉप पे भी जाने के लिए बोलते हैं। एक दो बार मैंने मना कर दिया था, अभी रिसेंटली भी मेरे को उन्होंने बोला, तो मैंने उनको मना कर दिया था, पर लेकिन उन्होंने कहा कि तूने कसम खाई है ना नहीं पीने की, किसी को गिफ्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर लेकिन मैं मन तो अब नहीं करता, खैर जाता भी हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो मन नहीं करता, इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप काफ़ी निर्णय लिया है, आपने काफ़ी डिसीजन ले लिया है, आपने अपने आप को बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आज, आप घर में कोऑपरेट कर रहे हैं अपने आप को? हाँ जी। अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं जी। कितना पैसा कमा लेते हैं आप? 9000 रुपये कमा लेते हैं। 9000 लगभग कमा लेते हैं। तो पैसा अपनी जिम्मेदारी से अपने घर परिवार में खर्च करते हैं? नहीं, अभी तक मैं इनको कुछ भी नहीं दिया अपने घर में, फिलहाल थोड़ा बहुत जो मेरा खर्चा हो रहा था उसी में एडजस्ट हो रहा है। हाँ जी। मतलब आप चाहते हैं कि समय आने पे आप अपनी जिम्मेदारी समझाएंगे और समझेंगे? बिल्कुल जी। बाकी आपको अच्छा लग रहा है आज घर में? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कितने महीने से आप घर में रह रहे हो?
मैं 3 महीने से घर पे हूँ। कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। कोई शख्स हुआ? नहीं जी। थैंक यू सो मच राजीव जी, हमने आपसे बात की, आपका धन्यवाद।